जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, ओडिया सुख संसार चैनल को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। कुंभ राशि, कुंभ राशि नक्षत्र अनुसार कौन करिबा उपाय जोटा कि वर्ष सारा आपणकर भाग्यटा संपूर्ण रूपे साथ दो। आपण जहाँ चाहूँ आपण लाइफ रे पातु सुख सुविधा बढ़ो। देखो कुंभ राशि तीनोटी नक्षत्र आसी थे एवं देखो तीनोटी नक्षत्र वाला समस्त व्यवहार चालचलन सबकि बहुत ही अलग थाए। यार मान यह नुह से कुंभ राशि अटंती तो समस्त माने कथबार्ता हबार तरीका समस्त व्यवहार सामान न थाए। तो तीनोटी नक्षत्र वाला किसी उपाय कहबि जो द्वारा आपणकर भाग्यटा संपूर्ण रूपे आप दू। देखो कुंभ राशि तीनोटी नक्षत्र जो आसी थाए प्रथम हो घनिष्ठ नक्षत्र शतभिषा पूर्व भाद्रपद। कुंभ राशि आराध्य देवता होती शनिदेव। कुंभ राशि एक वायुदत्त राशि अटे। कुंभ राशि बेले शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति प्रिय राशि अटे कुंभ राशि। शनिदेव एवं गुरु कृपा कुंभ राशि वाला सदा सर्वदा थाए। कुंभ राशि वाले जीवन में जिते दुख कष्ट पाइले तांकर लक्ष्यटा विलंबरे हासिल हेले जीति ही था। तो देखो सर्वप्रथम आम जानवा धनिष्ठ नक्षत्र विषय। तो भिडटे आरंभ करने आगे जो मैंने भी कुंभ राशि वाले आपड़ी आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ आ चैनल को सब्सक्राइब करूँ। भिड जदि आपको पसंद आसते हैं गोटे लाइकटे कर दिंतु। देखो घनिष्ठ नक्षत्र वाले यार दुईटा अंश मकर राशि आसी थाए अर्थात गोटे नक्षत्र चारोटे अंश थाए। तो प्रथम एवं द्वितीय मकर राशि आस तृतीय चतुर्थ कुंभ राशि आस तृतीय एवं चतुर्थ कुंभ राशि पड़ी था। तो सतैशा नक्षत्र 23 नंबर नक्षत्र अटे धनिष्ठ नक्षत्र। तो देखंतु यही नक्षत्र मालिक होंगे मंगल। धनिष्ठ नक्षत्र जन्मित व्यक्ति जीवन में सारा मंगल एवं शनि प्रभाव पड़ी था यह सत्य अटे। अनुसार मुझे उपाय मध्य कहबि कि कौन करा उचित मंगल उत्सव था इमान सहित प्राय देखिए टिके अधिक दुर्घटना होवार संभावना अधिक अधिका थाए। चलुवे झुंटी पड़ुवे गाड़ी वाहन बहुत किसी असुविधार सामना इमान को पड़ी थाए। तो चिंता करूनी उपाय मध्य मुझे कहबि निज साहस निजर ताकत निजर बल निजर बुद्धि माध्यम ही जिते असुविधा थे तार सामना करें प्राय बहुत कम लोक एम साइंट प्राय अधिक ये निजर ही जहाँ भी विपद अच्छी निजे ही सामना करें समस्त सा समय बहुत कम ही साय मिलता है। देखो जो क्षेत्र में गले सफल होने आसी ही था मंगल जदि गड़बड़ हो तो टिके रागी मैंने रागी था धनिष्ठ नक्षत्र वाले। तो कौन करेंगे कि आपणकर राशि अनुसार तो आपणकर भाग्यटा साथ देव नक्षत्र अनुसार आपणकर भाग्यटा साथ दो। धनिष्ठ नक्षत्र वाले प्रथम तो आपण हाथ में आपण जेकोसी गोटे मंदिर लाल धागा पूजा करके आपण हाथ में बांधतु यह आपण भल लाल धागा बांधिबा द्वारा आपण मंगल मजबूत हेबे एवं आपणकर जीवा जगार आपण काम बनिबो एवं जो आपण माने बेले बेले जो रागी जानती तो रागटा मध्य आपणकर टिके कंट्रोल हेबाकु लागिबो। जदि आपण पुओ अटंती तो राइट हैंड रे झी अटंती तो लेफ्ट हैंड रे ही बांधिबे एवं ओस्त गच्छ को प्रत्येक दिन जल अर्पण करने को चेष्टा करूँ रविवार दिन छाड़ी। रविवार दिन कहीं ओस गच्छ को पूजा कराए ना यह मुझे वीडियो कही तो आपत जाए वीडियो देखिपारे। तो रविवार दिन छाड़ी आप प्रत्येक दिन ओस्त गच्छ को पूजा करूँ कारण आपणकर राशि आराध्यपति होती स्वयं शनिदेव एवं मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जावाक चेष्टा करूँ हनुमान मंदिर जातु हनुमान चालीसा पाठ करूँ एवं जिते अधिक हो पार आपण लाल रंग यूज करवा आपण भल नक्षत्र अनुसार आपणकर भाग्य मध्य साथ देवाक लगे। जो आपण टेनसन होती किसी कम बनुना खाली टेनसन उपरे टेनसन चली कि
केही जदि आपन संगे कथा होचंती 2 दिन कथा होचंती 3 दिन फ्रेंडशिप लौची 4 नंबर दिन आर्गुमेंट है कि फ्रेंडशिपटा जो आपनकर भांगी जाउची तो से सब समस्याटा देखा जीव नाही जदि आपन एही छोट छोट उपाय जदि आपन फॉलो करिवे एवं निहाते आपनकर राशि अनुसार मध्य उपाय करबा उचित। शनिदेवंकर मंत्र ओम संसनिश्चलाय नमः ओम संसनिश्चलाय नमः एही मंत्र आपनकु निहाते जप करबा को ही पड़िबो एवं मंगलवार दिन शनिवार दिन आपन जदि हनुमान मंदिर जिबे हनुमान चालीसा पाठ करिवे तो आपनक जीवन रे चालीस तो जहां भी कष्ट थिबो ता धीरे धीरे कमिबाकु लागिबो। नेक्स्ट नक्षत्र विषय जानिबा सतवेश नक्षत्र। जदि आपन कुंभ राशि अटंती एवं सतभिषा नक्षत्र अटंती तो आपण यही वीडियो देखो। कुंभ राशि आराध्यपति होचंति शनिदेव किंतु सतभिषा नक्षत्र मालिक होचंति राहु। तो सतभिषा नक्षत्र वाले राहुंकर प्रभाव आपण जीवन में टिके अधे पड़ी ही थाए यह सत्य अटे किंतु चिंता करूँ कि आपण को उपाय एवं टिप्स मध्य कह देख सतविश नक्षत्र मान भेतर बहुत बुद्धि एवं टैलेंटेड इमाने थांती इमाने अंतर्ज्ञानी था दार्शनिक किंतु बेले बेले मानसिक चिंता बहुत घारी थाए प्राय एमाने डिप्रेशन आड़ को मध्य अधिकर अधिक पलि था इमान को किसी गोटे कथारे सहजरे छाड़ी पारती से कथा भूलती से कथा भाविक ही था इमान राहु एवं शनिदेव प्रभाव जीवन सारा थाए इमाने बहुत किसी चेष्टा करती किंतु बेले बेले राहु प्रभाव में बहुत घाटी होता प्राय अधिक एमन को रिश्ता केत सहित तो बिगड़ी मध्य जाए यह सत्य अटे इमर देखिए जदि आपणकर विद्यारे काम कार्य जदि ठीक चलूना रिश्तार मध्य आपण कहीं मिलामिशा करूना आपण को देखने चिड़चिड़ हो रागुंट तो बिना मतलब धांधपड़ करने को पड़ू ताल जाणी जातु कि आपण राहु गड़बड़ अच्छा राहु जदि गड़बड़ हो गले ये सब समस्या देखा दे थे कारण आपणकर सतविश नक्षत्र अटे तो आपण नक्षत्र मालिक होंगे राहुदेव आ बेले बेले एमती भी लगी थाए कि जादूटोणा कर दे लगी थाए कहीं या सहित प्राय देखिए जो कम हाथ दे हताश होगा पड़ी थाए तो से मन बहुत चिंतार प्राय थाए कौन करेंगे देखो। शनिदेव को प्रसन्न कर रखु सब बड़े शनिदेव मंत्र ओम संसनिश्चलाय नमः ओम संसनिश्चलाय नमः यही मंत्र आप जीवन सारा जप करूँ आपण भल एवं शिव मंदिर जातु शिवंर बहुत सारा उपासना करूँ एवं शिवंर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र जप करूँ शिव मंदिर जीवे राहुंक नाम रे क्षीर अभिषेक करिवे जदि आपण शिव मंदिर जिबे शिव मंदिर पूजारी को जदि आपण कहिबे राहु दोष लागिछि जदि कहिबे से अनुसार से आपण को किछि लिस्ट देबे किछि किछि पूजा पाठ करबा पई कहिबे तो जदि आपण राहु देवंकर पूजा पाठ करिवे अर्थात मंदिर रे ही करा जायथाय क्षीर अभिषेक दे पूजारी करती तो आपण जदि से अनुसार करेंगे तो आपण जीवन में चल तो राहु दोष टी कम जदि राहु जदि गड़बड़े था तो जीवा जगार काम बन थाए राहु शांत हेले ही सबकि आपणकर काम बन एवं प्राय आपणकर जिनस गुड़ाकजार टे संभावना अधिक थाए तो निज जिनस प्रति टे ध्यान दे चलिया आपण को पड़ो। नेक्स्ट नक्षत्र विषय जानवा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र देखो। जदि आप कुंभ राशि अटंती कुंभ राशि जदि पूर्व भाद्रपद अटंती तो आपण यही वीडियो आपण राशि मालिक होचन शनिदेव नक्षत्र मालिक बृहस्पति। जदि मु कहिबि कि कुंभ राशि सबुठारु धनी अर्थात सबुठारु भाग्यवान नक्षत्र कि ना पूर्व भाद्रपद गोटे गोटे था सेम राशि था किंतु प्राय से भाग्य बहुत आगे बढ़ी चल थाए जहाँ चाहू था लाइफ ताहा पाई
କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜଣ ଏମିତି ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଆମେ ବି ତ ସେମ୍ ରାଶିରେ ଅଟୁ, କାହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ବଦଳୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଯଦି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରାଯାଏ, ଯଦି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦରେ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ କହିବି, କାରଣ ରାଶିର ମାଲିକ ତ ଶନିଦେବ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଲିକ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଗୁରୁ। ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବହୁତ ଥାଏ, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଶି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଚାରୋଟି ଅଂଶ ଥାଏ, ତିନୋଟି ଅଂଶ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶ ମୀନ ରାଶିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ଏହାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମାନେ ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଟିକିଏ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ବିନା ସଂଘର୍ଷ ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି ବି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ହିଁ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ବସିବା ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଧନର ଅଭାବ ନଥାଏ, ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ପଇସା ମାନେ କମେଇ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭଲ ଚାକିରି ସବୁକିଛି ପାଇ। କିନ୍ତୁ 24 ରୁ 33 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମାନେ ବହୁତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଟିକିଏ ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ପେଟ ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ କ'ଣ କରିବେ କି ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ, ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଟା ସାଥ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରିମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ, ଓମ୍ ଦ୍ରିମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଯଦି ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଗୀତା ଡେଲି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିବା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବନୁ, ତ ନିହାତି ଆପଣ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଟୀକା ଧାରଣ କରିବା, କିମ୍ବା କେଶର ତିଲକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସିଥାଏ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ, ଯାଇକି ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଶର ତିଲକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଯଦି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ କରି ଆସିବେ, ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ରଖିବା ଉଚିତ, ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିହାତି ଜପ କରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଯାଏଁ କାମ ବନି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଟା ସାଥ ଦେଉନି, ତ ଯଦି ଏସବୁ ଉପାୟ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ, ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟା ସାଥ ଦେବ, ଯିବା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବନିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଧନ ଜନ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସବୁକିଛି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ।